अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाय दिस इज लेसन। आज हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ की डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जो यूनिट थर्ड में है। इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर हमें नेचुरल डिज़ास्टर जो है वो पहले पार्ट का T1 में हुआ था, तो अब जो है U3 का वो है मैन मेड डिज़ास्टर। तो इस टॉपिक में हमने मैन मेड डिज़ास्टर डिस्कस करना है। तो डिज़ास्टर होता क्या है? डिज़ास्टर जब हम देखते हैं डिज़ास्टर की डिफिनेशन, तो इसकी डेफिनेशन इन शॉर्ट हम कहते हैं सडन एक्सीडेंट और अ नेचुरल कैटास्ट्रोफी दैट कॉज लार्ज स्केल डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी, वी कैन से द डिस्ट्रक्शन इन शॉर्ट। तो डिजास्टर जब भी आता है इन द फॉर्म ऑफ रेन्स, जब एक्सेसिव रेनफॉल होता है, तो फ्लड्स सिचुएशन, जो फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है, उसके साथ साथ अर्थक्विक्स और स्टॉर्म्स, टाइड्स, सुनामीज और हेल स्टॉर्म, इवन वोल्केनो इरप्शन, तो ये नेचुरल कैटास्ट्रोफीज हैं। उनके अलावा मैन मेड कैटास्ट्रोफीज भी है। सबसे सरिफेस्ट तो उसमें है ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होता है। नाउ लेट्स सी, तो अब हम इसी टॉपिक के अंदर ये देखेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर जो नेचुरल डिजास्टर्स है और मैन मेड डिजास्टर्स हैं, उनमें जो मैन मेड डिजास्टर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कौन कौन से हैं और उनके मिटिगेशन मेजर्स क्या है, और हम कैसे उनको अवॉइड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ताकि लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी जो है मिनिमम हो जाए। ये है हमारा चैप्टर 4, मैन मेड डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने अभी आप कुछ नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में बोला, लाइक अर्थक्वेक्स, वोल्केनो इरप्शन, सुनामीज, उनमें जो विंटर्स में आते हैं एवलांचेस आते हैं माउंटेनियस एरियाज में, और समर्स में लैंडस्लाइड होती है ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल, और क्लाउड बर्स्ट भी एक नेचुरल कैटास्ट्रोफी है या डिजास्टर है। अब देखते हैं इसकी जो डेफिनेशन है ऊपर दी गई है, आप इस साइड से देखें ऊपर, तो ये जो है बहुत प्रिसाइज मैनर में है, बट इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। डिजास्ट्रस इवेंट कॉज्ड डायरेक्टली एंड प्रिंसिपली बाय वन और मोर आइडेंटिफिएबल डिलिबरेट और नेग्लिजेंट ह्यूमन एक्शंस इज कॉल्ड मैन मेड डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर उस डिजास्टर को कहते हैं जहां पे एक इवेंट जैसा क्रिएट होता है डिजास्टर का, उसमें इन्वॉल्वमेंट जो होती है या तो डायरेक्ट प्रिंसिपल इन्वॉल्वमेंट होती है एक इंसान की, कैसे, उसकी डेलिबरेट एक्टिविटीज की वजह से, और साथ साथ कभी कभार नेग्लिजेंस की वजह से कहीं ना कहीं उस चीज को आइडेंटिफाई किया जाता है, ये नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है। तो उस चीज से जो डैमेज हो जाएगी, उस चीज से जो लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगी, तब हम उसको डिक्लेयर करते हैं इट इज अ मैन मेड डिजास्टर। वन ऑफ द मैन मेड डिजास्टर्स इज फायर, जो मेरे इस साइड में यहां से आपको नजर आता होगा। तो इसको हम दूसरे टर्म भी देते हैं, एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी है जहां पे मैन मेड डिजास्टर को एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर भी कहते हैं। पहला जो मैन मेड डिजास्टर, इसमें इंक्लूड किया गया एग्जाम्पल स्टैम्पीड दिया गया है। स्टैम्पीड क्या होता है? जब एक ऐसी फ्राइटनिंग सिचुएशन क्रिएट होती है, लोग जो है हुजूम में एक ही तरफ भागना शुरू हो जाते हैं, डीड जैसी भाग रही होती है या एनिमल्स, उस चीज से जो लॉस ऑफ लाइव होती है और बाकी चीजें जो डिस्ट्रॉय होती है, तब हम इसको स्टैम्पीड कहते हैं। फायर, ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, साथ साथ ऑयल स्पिल्स एंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, रेडिएशन, ठीक है। तो ये सारी जो है ये मैन मेड डिजास्टर के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। पहला, फायर, आग जो है बहुत खतरनाक चीज है। दुनिया में जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है मैन मेड डिजास्टर्स में, वो आग से ही होती है। तो आग जो है ये बहुत सारी जो आफत अपने साथ लाते हैं। एक सबसे पहली चीज, जिस चीज को ये पकड़ती है उसको जला के राख करती है। दूसरा, और जो एनवायरनमेंट होता है वहां का, चाहे वो जंगल में आग लगे या बस्ती में आग लगे, ये बढ़ती ही जा रही है और हर किसी शय को, हर किसी चीज को ये डिस्ट्रॉय करती है।
साथ साथ अगर इसके जद में इंसान या हैवान भी आए, ये इसको भी जलाते हैं, लिविंग या नॉन लिविंग जो भी हो उसको डिस्ट्रॉय करता है। अगर ये जंगल में लगा तो इकोलॉजिकल जो वहां पे वहां की जो इकोलॉजी है या वहां का जो एनवायरनमेंट है वो डिस्ट्रॉय होता है, वहां की लाइफ जो है फ्लोरा एंड फौना की वो डिस्टर्ब होती है, और लॉट ऑफ पोल्यूशन जो है इन द फॉर्म ऑफ स्मोक जो है आउटकम आता है। अब फायर क्या है? फायर जो है इट इज अ रैपिड सेल्फ सस्टेनिंग रेडिएशन और वी कैन से ऑक्सीडेशन प्रोसेस accompanied बाय द evolution ऑफ हीट एंड लाइट इन varying intensities। तो varying intensities से मुराद है ये कहीं पे बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, कहीं पे कम खतरनाक हो सकती है, डिपेंड करेगा आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, आप किस हद तक इसको जो है काबू पाने में जल्दी करेंगे उतनी डिस्ट्रक्शन कम होगी। तो वेरिंग इंटेंसिटीज में डैमेज भी हाई हो जाएगी, अगर कम इंटेंसिटी वाला फायर है तो डैमेज कम हो जाएगी। अक्सर फायर कहाँ कहाँ पे देखा गया? फायर फॉरेस्ट में देखा गया है, फायर बिल्डिंग्स के अंदर देखा गया, शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर जो है ग्राउंड लेवल पे भी देखा गया है, बहुत सारी जगहों पे शेड्स में या कारखानों के अंदर जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं वहां पे भी इरप्ट होती है। साथ साथ फायर हथियारों की वजह से भी होती है, जब आप किसी कंट्री में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व करते हैं वॉर के साथ, एक दूसरे के बीच जड़फे जो होती है उसमें फायर जो है आउटकम कभी ना कभी आपने देखा होगा। इस वक्त जो जंगलों में आग है तुर्की के अंदर, लेबनान के अंदर, ये भी एक रीजन हो सकता है। मुझे नहीं पता किस हद तक वो सही है कि वो फायर जो है ऐसे जंगलों में आग लगी। दूसरी जो वॉर सिचुएशन अफगानिस्तान और सीरिया के अंदर है, वहां पे आप देख सकते हो बहुत सारी बिल्डिंग जो है बॉम्ब्स से तबाह की गई है, कुछ आग से जलाई गई है, ठीक है। तो उनको आग से कैसे जलाते हैं? गन पाउडर यूज करके उनको जला दिया जाता है। ये जो फायर है ये कभी कभार प्रेडिक्टेबल भी होता है, अनप्रेडिक्टेबल भी होता है। प्रेडिक्टेबल तब होता है जब आपको पता है कहाँ पे आपने आइडेंटिफाई किया इसको, कोई भी गड़बड़ हो, कहीं शॉर्ट सर्किट का मामला हो या कहीं सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई हो कि फायर लग सकती है, तो आप उसको एट इंस्टेंट जो है स्टेप्स में जल्दी इनिशियल लेवल पे कंट्रोल करते हैं, तब वो फायर जो है डैमेज नहीं कर सकती है। दूसरा होता है अनप्रेडिक्टेबल, आपने इस चीज को नजरअंदाज किया, इग्नोरेंस के अंदर आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया किसी चीज को, तो इसके जो भयानक अनप्रेडिक्टेबल नतीजे आते हैं तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। फिर ये अनप्रेडिक्टेबल फायर स्टॉर्म बन सकती है जो नेचुरल भी हो सकती है, मैन मेड भी हो सकती है। जंगलों में आग कैसे ज्यादा लगती है? ये नेचुरल कभी कभार डिक्लेयर की जाती है, जो फॉरेस्ट फायर है उसमें बहुत सारे ड्राई लीव्स, ड्राई ग्रास और ट्रीज जो है उनमें से जो रीजंस निकलते हैं वो जो है जब फायर वहां पे लगती है वो बूस्ट करती है, प्रोवोक करती है आग को, यहाँ से आंधियां भी चलती है वो उसको फैलाने में मदद करती है और आगे बढ़ाती है, तो उससे डैमेज बहुत हाई लेवल पे होती है फॉरेस्ट के अंदर। कुछ सिचुएशंस में देखा गया है लाइटनिंग जो है जिसको हम कश्मीर में वुजमल कहते हैं, हाँ गरज चमक जो होती है बारिशों के दौरान, कभी कभार रेयर केसेस ऐसे देखे गए उससे फायर इरप्ट होती है फॉरेस्ट के अंदर। बट एज यूजुअली जो मेन कॉजेज इरप्शन ऑफ फायर वो देखी गई है रेजिडेंशियल एरियाज में और फॉरेस्ट में। कौन कौन सी कॉजेज है जहाँ पे फायर इरप्शन के केसेस और कॉजेज देखी गई है? नंबर वन केस जो है यहाँ पे स्टोरेज ऑफ वुड, जब आप किसी गोदाम में या घर में कहीं पे भी बहुत सारी लकड़ी, सूखी लकड़ी जमा करते हैं या ग्रास जमा करते हैं जो इनफ्लेमेबल होते हैं, तो मटेरियल कभी कभार भी हाउस में ये जमा करने में अक्सर लोग जो है गलती करते हैं कि वो उनको जान ही नहीं रहता है कभी कभार कि फायर कभी इसमें लग सकती है और ये पूरे घर को जला सकती है। दूसरा होता है नॉन इंसुलेटेड इलेक्ट्रिक वायर्स जो होती है या कुकिंग हीटर्स जो होते हैं, कहीं उनमें कोई कट होता है या कुछ और होता है तो स्पार्किंग की वजह से या शॉर्ट सर्किट की वजह से उस सारे इलेक्ट्रिक सर्किट में आग लगता है जो घर में फैल सकता है। तीसरा जो यही शॉर्ट सर्किट की माल फंक्शनिंग है वो भी उसकी वजह से भी क्या होता है फायर घर में लगी हुई है, ये कॉज देखी गई है। थ्रोइंग ऑफ सिगरेट बिट्स जो है अक्सर लोग क्या करते हैं जंगलों में जाते हैं या अपने घरों में इसी तरह छतों पे या गोदाम में या फैक्ट्री में कहीं पे होते हैं तो सिगरेट बिट्स जो है
ये पीते हैं फिर फेंकते हैं विदाउट उसको बुझाए हुए, कि फिर जब ये फेंकते हैं ये ख्याल ही नहीं करते जहां पे हमने ये फेंका, धीरे धीरे वहां पे आग लगना स्टार्ट होता है तो वो आग पकड़ के फिर डैमेज बहुत करता है। बहुत सारे लोग पिकनिक्स जाते हैं, पिकनिक जो शौकीन वाले लोग होते हैं जो ट्रैकिंग पे जाते हैं, ट्रैकिंग के बाद कैंपिंग करते हैं, वहां पे जो बर्निंग एम्बर होता है वो उसको बुझाते नहीं है तो वो जलता रहता है। तो अचानक बहुत सारी केसेस में जंगलों में वो भी एक देखा गया है, एक रीजन है, कॉज है फायर्स की। तो और एक कॉज है शेफर्ड्स जो होते हैं जो नोमैडिक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह अपने हर्ड्स को ले जाते हैं ग्रेजिंग के लिए, वो बर्निंग वुड को बिहाइंड छोड़ते हैं, ठीक है, या पीसेस ऑफ दिस बर्निंग वुड जो इस्तेमाल करते हैं जंगलों में कुकिंग के लिए, तो वो फिर उससे भी देखा गया है कि जंगलों में आग लग जाती है। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट आउट बर्निंग कैंप फायर जो है ये एक कॉज है। तो ये कॉज जो है लास्ट में इंक्लूड फिर से की गई है कि कैंप फायर्स में भी अगर आप उनको नहीं बुझाते हैं तो दैट इज ऑल्सो अनदर कॉज। देखो अब हम डिस्कस करेंगे ये फायर कितनी खतरनाक होती है, एक कितनी डैमेज करती है, कितनी डिजास्ट्रस होती है। अगर रेजिडेंशियल एरिया में फायर लगी जिस चीज को ये पकड़ती है वो सब कुछ एक बार जलता है, दूसरी बार वो ना यूज करने के लायक रहता है ना ही आप उसको रिनोवेट कर सकते हैं, ठीक, ये कॉज है इसकी डिजास्ट्रस होने की। दूसरा, अगर इससे इंसान या जानवर जो है एब्लेज हो गए तो मर जाएंगे, अगर सीरियस इंजरीज है तो वो रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इससे फ्लोरा एंड फौना यानी वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी जो है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, उसको बहुत जो है डैमेज होती है, और जो वहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं, रेयर एंडेमिक फ्लोरा होता है या फौना होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, पेरिशेबल बन जाता है वो फॉर एवर, क्योंकि अगर ट्रीज में भी आग लगती है, अगर वो दरख्त आधा ही जल गया दोबारा वो ग्रो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो साथ साथ एग्रीकल्चर फील्ड्स में अगर ये आग लगती है वो क्रॉप्स खत्म हो जाते हैं, वो जमीन इनफर्टाइल बन जाती है, तो फर्टिलिटी जो है वो लॉस करेगी बहुत देर तक, और साथ साथ हार्मफुल गैसेस जो इससे रिलीज हो जाते हैं तो वो भी बहुत हानिकारक होते हैं माहौल के लिए। अब क्या मिटिगेशन मेजर्स हो सकते हैं, मिटिगेशन मेजर्स इन द सेंस कि हम कौन से तरीके इख्तियार कर सकते हैं आग लगने से पहले, जिसे हम लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ लाइफ या हम कह सकते हैं जो डैमेज होती है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं बिफोर फायर। तो फॉलोइंग आर द थिंग्स, एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहला चीज जो इसने लिखा, इंस्टॉल स्मोक अलार्म्स, अगर कहीं पे भी आग जो है लगना स्टार्ट हो जाए तो स्मोक डिटेक्टर जो होता है जिसको स्मोक अलार्म कहते हैं, घरों के अंदर या हॉस्पिटल्स के अंदर लगाए जाते हैं आजकल के दौर में, तो वो अलार्म देता है फायर का, तो उससे आपको पता चलेगा पहले ही कि कहीं आग लग रही है तो आप इनिशियल लेवल पे उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपके अगर घरों में अल्लाह खैर करे कि आग लगे, बट आपको एस्केप रूट्स जो है आपको ध्यान में होने चाहिए कि अगर कभी भी कुछ भी अनहोनी गुजरती है आपके घर में तो आपको पता होना चाहिए कि घर में कौन कौन से एस्केप रूट्स हैं जहां से आप बच सकते हो। तो जो तीसरा है इसने लिखा है, मेक श्योर द विंडोज आर नॉट नेल्ड, यानी विंडोज बंद नहीं होनी चाहिए, क्लोज नहीं होनी चाहिए कंप्लीटली, कि जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए आप खोलने में नाकाम हो जाए और अंदर ही फंस जाए, बट वो ओपन होनी चाहिए, और साथ साथ उनमें जो पेंट है, ठीक है, तो पेंट की वजह से कभी कभार वो बंद हो जाती है, तो या तो नेल नहीं होनी चाहिए या पेंटेड इतना भी नहीं होनी चाहिए वो क्लोज हो जाए, तो ओपन विंडो सिस्टम होना चाहिए। अगर अब अल्लाह ना करे किसी घर में आग लग गई, किसी फैमिली को अब ये सिचुएशन फेस करनी पड़ी, तो वो क्या कर सकते हैं एस्केपिंग के दौरान, वो जो फ्लोर होता है अपने घर का, अगर उस फ्लोर सेकंड फ्लोर में आग लगी है तो वो फिर झुक के या जो जो ये होता है ना फर्श फ्लोर उसके साथ मतलब लिपट के फिर अपने सेफर प्लेस तक जा सकते हैं। क्यों, ये एक बेहतरीन तरीका है फायर में से एस्केप करने का, ताकि आप सेफर प्लेस पे पहुंच जाए, और फ्लोर जब आग लगती है जो तह होती है फर्श होती है फ्लोर होती है उसमें एयर ज्यादा मतलब कंटेंट अच्छा होता है एज कम्पेयर, अगर आप खड़ा रहेंगे और भागेंगे आप आग में भी झुलस सकते हैं और धुआं भी आप पे बहुत बुरा असर डाल सकता है। और अगर आपके घरों में जो ट्रैश है जो कभी भी आग पकड़ सकता है, लाइक न्यूज़पेपर्स है या मैगजीन्स है या जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं,
तो वो चीजें जो है स्टोरेज एरिया से निकालें और वो उस जगह पे रखें जो सेफर हो, या उसे घर से बाहर ही रखें कहीं और, जब भी कोई ट्रैश वाला आ जाए उसको बेच दें या फेंक दें। अगर आप घर में हैं और यूज करें गैसोलीन, बेंजीन या नेफ्था या कोई सिमिलर फ्लेमेबल चीजें, लिक्विड्स घरों के अंदर इंडोर्स, वो डेंजरस हो सकता है। एक्सपेरिमेंट्स के लिए कभी कभार बच्चे या घरों में जो बड़े होते हैं वो ऐसी चीजें करते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए या अदर साइंटिफिक जो पर्पजेज होती हैं, तो उस चीज से बड़ा खतरा रहता है घरों में। रूरल एरियाज में क्या होता है, अक्सर लोग वहां पे उनके छोटे घर होते हैं और वो जो भी फायरवुड जमा करते हैं विंटर्स के लिए स्टोर रखने के लिए, या ग्रासेस जमा करते हैं, ड्राई लीव्स जमा करते हैं, वो इनफ्लेमेबल होते हैं, तो मटेरियल घर में जमा होता है तो उनसे भी बड़ा खतरा रहता है आग लगने का। और नेवर मेक सॉरी नेवर स्मोक नियर फ्लेमेबल लिक्विड। नेक्स्ट मिटिगेशन मेजर ये है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं या कुछ और करते हैं, तो जिसकी वजह से जो है इनफ्लेमेबल एरियाज में खतरा रहता है इन फायरवुड या ग्रास या लीव्स की जो वहाँ पे तादाद होती है, अगर आप उसमें ये बिट्स डाल दें, सिगरेट बिट्स, बाकी चीज़ें, तो आग लगने का ज़्यादा चांस रहता है। साथ साथ जो गैस सिलेंडर्स होते हैं घर में या बाकी चीज़ें जो फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं उनके पास भी स्मोकिंग ना करें, जो कैरोसिन पेट्रोल है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट इज चिमनी शुड बी एटलीस्ट 3 फीट हाई देन द रूफ। जो आपके घरों के अंदर चिमनी है, यानी कश्मीरी में बुखार छिवाना, घर चिमनी आसान बुखारी, तो उसका जो आउटलेट होता है जहाँ से स्मोक बाहर आता है वो घर के छत से बाहर 3 फीट ऊंचा होना चाहिए। और उसके जो है अगर करीब ब्रांचेस हैं तो वो ब्रांचेस काट ले, हैंगिंग उसके गिरद में अगर हो तो उसको साफ शिफाफ रखे, उससे भी आग लगने का खतरा रहता है। हीटर्स जो घर के अंदर है 3 फीट अवे फ्रॉम द फ्लेमेबल मटेरियल, ठीक है। अक्सर किचनों में क्या होता है, गैस सिलेंडर भी वही होता है और हीटर भी वही होता है, तो करीबी जो है आग लगने का ज्यादा चांस रहता है इन चीजों की वजह से। अगर आप कोल का इस्तेमाल करते हैं या ऐश, तो इस मटेरियल को एज ए मेटल कंटेनर के अंदर कहीं दूर रखें, घर के सामने या घर के करीब ना रखें, क्योंकि इनमें भी आग लगने का खतरा रहता है। अगर आप उसके अलावा नेक्स्ट मिटिगेशन मेजर ये है, अगर आप कहीं फायर यूज करते हैं घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर, और वो फ्लेम्स जो है बहुत हाई उड़ती हैं, तो उसकी वजह से जो है दाएं बाएं जो दीवार होती है, छत होती है, उसमें आग लगने का ज्यादा चांस रहता है। सो आप ऐसे जो है टास्क से या काम घर से बाहर करें, चार दीवारी के बाहर आंगन में कर सकते हैं। और कीप हीटिंग यूनिट्स रेगुलरली इंस्पेक्टेड। जो भी घर में आप ये चीजें यूज करते हो कुकिंग के लिए या हीटिंग के लिए, जो है आप रेगुलरली इंस्पेक्ट करें, चेक करें। उस चेकिंग से, इस इंस्पेक्शन से क्या होगा, आप अपने जो घर के अंदर आग के चांसेस है उनको अवॉइड कर सकते हैं। तो दैट इज अनदर मिटिगेशन मेजर दैट इज मेंशन्ड इन योर सब्जेक्ट मटेरियल। नेक्स्ट इज जो मैचेस होते हैं, लाइटर्स होते हैं, या बाकी जो डिवाइसेस यूज करते हैं आप जलाने के लिए, बर्निंग के लिए, तो बच्चों की जो रीच है उससे दूर रखें और पॉसिबली उनको लॉक करके रखें। किचन में कुछ कैबिन्स होते हैं उनमें बंद रखा करें। तो नेवर स्मोक इन बेड। अगर आप पीने के शौकीन हैं या आदी हैं तो आप घर में सोने के टाइम स्मोकिंग करते हैं, ये बैड हैबिट है, क्योंकि अगर आप बेड में स्मोकिंग करें कभी भी अचानक ऐसा हो सकता है कि आपकी नेग्लिजेंस की वजह से आग लग सकती है। नेक्स्ट मिटिगेशन मेजर ये है, जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है उनको चेक करके ही आप इस्तेमाल करें, या इलेक्ट्रिशियन जो है जब भी फिटिंग करते हैं आप तो उसको प्रॉपर तरीके से चेक करके 2-3 बार इंस्पेक्ट करके, ताकि अपने घर के अंदर जो है इंश्योर करें सेफ्टी। और अगर कहीं पे आपको लगता है आउटलेट है या कट है तो उसके ऊपर कवर लगा दे, प्लेट्स लगा दे या टेप लगा दे, ताकि वो एक्सपोजिंग वायरस जो है वो उनसे फायर के चांसेस कम हो जाए। डू नॉट ओवरलोड द एक्सटेंशन कॉर्ड्स और आउटलेट्स। कभी कभार हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई अगर 150 होती है, 200 होती है, हम उस पर ओवरलोडिंग करते हैं, यानी ऐसे एक्सटेंशंस लगाते हैं जिनसे हमें 250 या 300 तक का वोल्ट
जो है चाहिए होता है, तो उससे ओवरलोडिंग हो सकती है, तो शॉर्ट सर्किट के चांसेस हाई रहते हैं और वो वायर्स जो है जलती है। नेक्स्ट जो है, जो लास्ट वाला मिटिगेशन मेजर है, अपने घरों के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर, जहां जहां कहीं भी आप अक्सर काम करते रहते हैं, वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो इंस्टॉल करें, और घर के फैमिली में या स्कूल में हर किसी को उसकी ट्रेनिंग दे, इनको कैसे यूज करना है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं, इनकी ट्रेनिंग ले सकते हैं हाउ टू यूज देम, ठीक है। तो मिटिगेशन मेजर्स थे फायर से। व्हाट टू डू ड्यूरिंग फायर, अगर अब आग लगी तो उस वक्त क्या करेंगे और कैसे करेंगे। अगर आग लगी है तो आपके कपड़ों ने आग पकड़ी है तो आप क्या करेंगे, स्टॉप ड्रॉप एंड रोल, आप अपने को गिराए जमीन पे और रोल करें, पलटे खाएं, जिस तरह हम सोते हैं इसी तरह अपने आप को फर्श पे लेटा दें और उसके बाद पलट पलट के अपने राउंड्स ले लें, ताकि ये जो कपड़े जिन्होंने आग पकड़ी है ये बुझ जाएं। तो ये एक तरीका है आग से बचने का इंस्टेंटली, ठीक है। तो इससे जो है फायर बर्नर्स जो है इस चीज से खत्म हो जाती है। तो अगर आप बजाय उसके कि आपके कपड़े में आग लग गई आप भाग गए रनिंग करते रहे, तो उससे आग ज्यादा ही भटकते और कपड़े ज्यादा आग पकड़ेंगे और आपको फास्ट फायर बर्नर्स हो सकती है। अगर आप कहीं घर में फंसे या हॉस्पिटल में कहीं भी किसी भी जगह फंसे हैं, आग लग चुके हैं, आपके सामने दरवाजा है, आप आग के बीच में से भाग रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे उनको धक्का ना दे दरवाजों के या उनके हैंडल्स को ना पकड़े, क्योंकि उनके आग की वजह से जो है वो बहुत हॉट हो सकते हैं। आप क्या करें, जो हाथ का ये वाला हिस्सा है, ये वाला, इससे धक्का दे या ऐसे कोहनी से धक्का दे ताकि बाहर निकले और अपने जो बर्निंग फिंगर से बचे, हाथ जो पाम वाला हिस्सा है ये भी आग की चुलसी से आप बचा सकते हैं while escaping from the fire। जो मैंने ऊपर पॉइंट बता दिया, जब आप फायर के अंदर फंस जाते हैं तो आप फ्लोर पे लेट जाएं और भाग जाएं एस्केप करें, यही वाला पॉइंट फिर से मिटिगेशन मेजर्स के बाद आया है। अगर आपके कमरे में या कहीं जगह पे आग लगी है, अक्सर जो है स्मोक, पॉइजनस स्मोक या ये जो धुआं होता है ये कलेक्ट सीलिंग के पास जमा होता है, तो इसलिए आपके लिए क्या पॉसिबिलिटी है भागने की, आप क्रॉल कर सकते हो अलोंग द फ्लोर, आप भाग सकते हैं। तो नेक्स्ट दो तरीके और हैं फायर से बचने के। अगर आप भाग गए उस कमरे से और दूसरे कमरे में आग नहीं लगी है, आपके लिए एक हक बनता है जो है आप उस दरवाजे से एस्केप हो गए, उस दरवाजे को फिर से बंद करें ताकि दूसरे कमरे तक ना जल्दी पहुंचे और वो बच के रहे, या बाकी चीजें जो आपको तब तक करनी है वहां पे, जो प्रेशियस चीजें या दूसरे बंदे होंगे या कुछ भी होगा, आप उनको एस्केप कर सकते हो तब तक जब तक वहां पे भी आग स्प्रेड हो सकती है। लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट, यू कैन कॉल द फायर सर्विस 101। अक्रॉस इंडिया ये नंबर यूज होता है 101, आप कभी भी कर सकते हैं। हमारा आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक, व्हाट टू डू आफ्टर अ फायर, जब आग लगी और खत्म हो गया सब कुछ जो है, दाएं बाएं दरहम बरहम हो गया, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, फॉलो आर द गाइडलाइंस, ठीक है, फॉर द डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज, ये गाइडलाइंस है जो आप डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज में फॉलो कर सकते हैं। इफ यू आर विद बर्न विक्टम्स, अगर आप बर्न विक्टम्स के साथ हैं और अ बर्न विक्टम खुद भी जले हुए हैं, तो देन व्हाट टू डू, कवर द बर्न्स, आप अपने जलन को जहाँ पे भी आपको जख्म लगा है, जुलस गया है, तो उसको कवर करें टू रिड्यूस द चांस ऑफ फर्दर इंजरी और इन्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज पोर कोल्ड वाटर ऑन द बर्न्ड पार्ट्स, अगर आप फिर आग से बाहर आ गए बट अभी भी आपके ऊपर बर्न्स हैं, तो आप ठंडा पानी इसके ऊपर डाल सकते हैं टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द हीट। मैंने कभी कभार देखा है जब किसी को बर्न्स होते हैं वो टूथपेस्ट का यूज करते हैं, क्योंकि वो जब टूथपेस्ट आप लगाते हैं उससे बहुत कोल्ड फील होती है, जो चमड़ी के ऊपर लगाने के बाद वो जो इंटेंसिटी ऑफ बर्न्स होती है ना, उसका इम्पैक्ट कम पड़ता है उससे। बट मैं वो सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं ये कहूंगा ठंडा पानी ही डालें जो यहाँ पे लिखा हुआ है, साथ साथ अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है आइस होगी तो वो यूज कर सकते हैं। इफ यू डिटेक्ट हीट और स्मोक व्हेन एंटरिंग अ डैमेज्ड बिल्डिंग, तो क्या करें, इवैक्यूएट जल्दी करें, जो ही आपको पता चले इस बिल्डिंग में अंदर किसी कमरे में आग या धुआं बाहर आ रहा है। बट अगर आपके पास अभी चांसेस है उसको कंट्रोल करने का, आप पानी यूज कर सकते हैं, आप उसको बुझा सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इफ यू हैव सेफ और स्ट्रॉन्ग बॉक्स, अगर आपके पास डब्बा है कोई साथ सेफ स्ट्रॉन्ग, डू नॉट ट्राई टू ओपन इट, इट कैन होल्ड इंटेंस हीट फॉर सेवरल आवर्स, मगर
ये आग लगने के बाद की बात में कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा टॉपिक है व्हाट टू डू आफ्टर फायर। अगर आपने कहीं कोई डिब्बा, स्ट्रांग डब्बा जो है मिला, कोई बॉक्स मिला या कोई कुछ और चीज़ मिली जो आपको दिखने में सेफ लगती है, बट उसको ना खोले, क्यों? क्योंकि आग की वजह से वो बहुत देर तक गर्म रहता है, जिसकी वजह से अगर आप उसको हाथ लगाएंगे आपके हाथ जल सकते हैं। कॉन्टैक्ट द नियरेस्ट पुलिस कंट्रोल रूम। अगर आग लगी या डैमेज हो चुकी है, फायर सर्विस नहीं आया, किसी ने हेल्प नहीं किया, तो आप पुलिस स्टेशन को भी कॉल कर सकते हैं फॉर फायर ब्रिगेड ऑफिस टू इमिजिएटली हेल्प। ठीक है, ये आज हमने पढ़ा मैन मेड डिजास्टर्स में फायर, और व्हाट टू डू बिफोर द फायर, व्हाट टू डू ड्यूरिंग द फायर एंड व्हाट टू डू आफ्टर द फायर। तो मिटिगेशन मेजर्स वो भी हमने डिस्कस किए। ये सारा मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए हार्डली 25 मिनट्स लगे। होप आपको समझ आया होगा, और साथ साथ मैं आपको यहाँ से इनको हाईलाइट भी कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, टिल देन नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड एक्सीडेंट्स। तो मिलते हैं उस टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।